अभी बहुत बहुत हासिल करना है, अभी तो बहुत बहुत कुछ हासिल करना है। मैं अभी अभी आया हूँ, नया हूँ, दूध के दांत हैं, फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। और इंडस्ट्री भी काफ़ी चेंज हो रही है, काफ़ी चेंज हुई है, काफ़ी उतार चढ़ाव से गई है पिछले 5 सालों में। जैसे ही मैं आया हूँ 2019 में गली बॉय के बाद, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, पैंडमिक आ गया, बिज़नेस बदल गया, किस्म की फिल्में जो लोग देखते थे, OTT वगैरह, काफ़ी चीज़ें आ गई। तो मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या कैसे क्या हो रहा है, तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा पकड़ बनाने में, लेकिन जो भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, वो काफ़ी ऑथेंटिक और रियल होगा। कोई ज़बरदस्ती की पुशिंग नहीं, कोई ज़बरदस्ती का PR या वो सारी चीज़ें, वो माध्यम मुझे लेना ही नहीं है। मेरी कला के वजह से मुझे आवाज़ मिली है और उसी की वजह से आई थिंक आवाज़ मिलती रहेगी मुझे। युद्रा के बारे में जी एक्शन फिल्म है, इसी साल आएगी, इसी साल के अंत में आ रही है, तैयार है, बहुत ही कमाल की लग रही है। और एक्शन के अवतार में देखेंगे मुझे आप, उसमें मैं बाइकर हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये काफ़ी कंफर्टेबल था मेरे लिए, और मज़ा आएगा आपको। हाई ऑक्टेन एक्शन है, थ्रिलर है, और बाकी तो जब आप टीजर आएगा तो हो गए हम कहाँ, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है जो है, और आपका भी रुद्र आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, तो आपको क्या लगता है जो राइटर है जो ये सब स्टोरी लिखता है, उनका क्या कुछ पार्ट रहता है एक मूवी बनाने में? राइटिंग तो अर्जुन ने की थी, अर्जुन जिन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म, उन्हीं की राइटिंग थी, उन्होंने और जोया ने मिलके लिखा था, और रीमा ने, और वो तो आपको पता ही है जब वो कहानी लिखती हैं तो कितना कमाल का एक्सपीरियंस होता है हम सबके लिए उसको प्ले करना। और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, मेरा एक पेज है सिटी चैट्स, उसमें मैं कुछ चीज़ें लिखता रहता हूँ, कविताएँ। तो मेरे लिए लेखक लोगों का बहुत ज़्यादा, मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि जब तक वो लिखाई सही नहीं होगी फिर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, जो मासेस है कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो बड़ा ज़रूरी है कि लेखकों को इस इंडस्ट्री के जो गढ़ है उसमें घुसना, उसमें बैठना, ताकि और रूटेड कहानियाँ निकलें, और ज़्यादा ऐसी कहानियाँ निकलें जो एक आदमी देख के उसे फील कर सके, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। मुझे लगता है मेरे फेवरेट राइटर आई थिंक फरहान, कमाल लिखते हैं वो, उन्होंने युद्रा भी लिखी है, उसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा है। श्रीधर राघवन, एक्शन उनका काफ़ी हाई ऑक्टेन होता है। सलीम जावेद सर, तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, तो ये कुछ हैं राइटर्स। जोया, वो बहुत अच्छा लिखती हैं, और भी बहुत लोग हैं, वैसे तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा। शांतनु ने ये डिज़ाइन किया, आप देख रहे हैं जैसे कि गाड़ी के साथ कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है, जो गाड़ी का लुक है, जो डिज़ाइन है, उसी रूप में ये बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये टायर्स के निशान हैं, तो हाँ इन्होंने पेंट किया है ये सब, और काफ़ी इसका जो कट है काफ़ी जैपनीज इंस्पायर्ड है। तो शांतनु तो हैं कमाल के कलाकार, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि महिंद्रा और ये कोलैबोरेशन हुआ और मुझे मौका मिला कि मैं वॉक कर पाऊँ। रैंप वॉक पर मैंने देखा बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में पोज कर रहे थे आप, बताइए सब स्क्रिप्टेड था या फिर आप तो क्यों भाई स्क्रिप्टेड था या हम सब दोस्त हैं स्क्रिप्टेड था या फिर आप ऐसे स्क्रिप्टेड तो नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था क्या गाना बजने वाला है, तो मैं आया जैसा मैंने जो सुना, मतलब ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज कर लिया। स्क्रिप्टेड तो नहीं होता कुछ भी हमारी जिंदगी में, अचानक ही होता है जी। यू नो रैंप पर वॉक करना आपके लिए क्या कुछ डिफरेंस रहता है हमेशा हर टाइम? डिपेंड करता है क्या क्या माहौल है, क्या वाइब है। मैंने अबू संदीप के लिए भी किया था, मृणाल के साथ, वो अलग वाइब था, वो थोड़ा सा एलिगेंट, थोड़ा पीरियड किस्म का था, ये थोड़ा न्यू एज, थोड़ा सा डिज़ाइन, थोड़ा टेक्सचर, थोड़ा शार्पनेस उस किस्म का था। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का वाइब है, तो उसी में घुल मिल जाते हैं। आपने OTT किया है, आपने मूवीज़ किया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? OTT करना अपने आप में एक अलग होता है, मूवीज़ करना अपने आप में एक अलग होता है, आपने क्या फील किया डिफरेंस? देखिए डिफरेंस तो नहीं है, OTT एक तरह से लॉन्गर फॉर्मेट होता है जैसे कि आप जानते हैं, डिफरेंस ऐसा ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे। बस एक ही डिफरेंस है कि बड़े पर्दे का जो जादू है वो मिसिंग होता है, इस वजह से मैं अभी सिर्फ फिल्म्स पे फोकस कर रहा हूँ, आगे और 4 फिल्में हैं जो आने वाली हैं। OTT अभी फिलहाल मैं बैक सीट पे रख रहा हूँ। गहराइयाँ काफ़ी सक्सेस हुई थी, तो लोगों ने का कहना था कि यार गहराइयाँ को अगर बड़े पर्दे पर हम अगर उसको रिलीज़ करते ज़्यादा बेहतर होता। देखिए वो तो प्रोड्यूसर्स का कॉल है और जो देखने वाले हैं उनका कॉल है, वैसे गहराइयाँ अकेली देखी जाए तो बेहतर। थैंक यू सो मच।